Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I am your mathematics expert. So friends, जैसे कि हमने आपको वादा किया था कि soon we are going to bring you segment for class 10th board examination which is crash course 2021 and we made sure कि हम आपके लिए साइंस और मैथमेटिक्स को कवर करेंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए. जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि फ्रॉम 4th ऑफ मई आपके बोर्ड एग्जाम होंगे आपके. सो वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम ऑन अवर हैंड टू प्रिपेयर वेल फॉर अवर बोर्ड एग्जामिनेशन. नाउ बोर्ड एग्जामिनेशन इज अ डिफरेंट बॉल गेम फ्रॉम योर होम एग्जामिनेशन. Now, what we are planning to do to approach in this series is that कि हम आपको एक तो चैप्टर की थ्योरी हम आपको ब्रीफ करेंगे कि जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस पर क्या कंटेंट है, क्या उसकी थ्योरी है. एंड मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें एज सच कोई बहुत थ्योरी नहीं होती जो हमें याद करनी है, हमें पढ़नी है, हमें समझनी है. मैथ्स में सिर्फ क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन हैं. तो आपका प्राइमरी फोकस क्या है, पहले हमको एनसीईआरटी अपनी करनी है. हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे भी फोकस करेंगे, बाकी रेफरेंस किताबें आप बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है, आप कोई भी लेके आप कर सकते हैं. और जो हमारा मेन फोकस होगा वो हमारा होगा बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स के ऊपर कि कौन कौन से सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, हम उन पर फोकस करेंगे. अब सिर्फ सवाल ही आपको नहीं कराएंगे, हम आपको ये भी बताएंगे कि हम सवालों को कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे सवालों को लिखना है, कैसे उसको प्रेजेंट करना है, क्योंकि मैथ्स में हमारे स्टेप मार्किंग भी होती है. सो हाउ टू अप्रोच विद द स्टेप्स, हाउ टू राइट देम क्लियरली कि आपके मार्क्स ना कटे. तो ये सब हमारा पूरा फोकस रहेगा हमारे इस क्रैश कोर्स 2021 सीरीज में जो सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 के लिए हमने लॉन्च की है और साइंस और मैथ सब्जेक्ट के लिए. तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं कि जो हम पहला चैप्टर अपना हम मैथ्स में उठा रहे हैं दैट इज ट्रिग्नोमेट्री. तो बिफोर गोइंग इनटू दिस चैप्टर मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि पहले तो कि आपके क्लास 10 का कोर्स स्ट्रक्चर क्या है इस साल आपके बोर्ड एग्जाम में. ये कुछ 7 यूनिट है जिनको कवर करनी है. नंबर सिस्टम, एल्जेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड probability. ये उनके individual marks का breakup दिया हुआ है. So at the first we are going to start with chapter trigonometry और इसका जो आपका weightage है 80 marks में it is of 12 marks. तो 80 marks में 12 marks भी कोई बहुत छोटी चीज नहीं होती है, 12 marks is a big value. तो first of all let us start with the chapter trigonometry जिसका weightage आपके 80 marks में 12 marks का इसका weightage है. अब इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करेंगे आइए उसको देखते हैं. इसमें हमें 3 सब पार्ट कवर करने. पहला हमारा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जिसमें हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. एक्यूट एंगल मतलब हम 0 से 90 के बीच के एंगल की बात करेंगे. प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूज ऑफ सम well defined ratios that is 30, 45 and 60 and relationship between the ratios. Second unit हम बात करेंगे trigonometric identities के बारे में. And third जो आपका सबसे important chapter that is heights and distances जहाँ पे हम angle of elevation और angle of depression के बारे में बात करेंगे. और यहाँ पे angle हमारे सिर्फ 30, 45 और 60 के term में ही होंगे हमारे. तो ये तो हमारा इस चैप्टर का ब्रीफ अप हो गया. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री. तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, मीट्री का मतलब होता है मेजरमेंट. अगर मैं इसको अपने दो वर्ड में ब्रेक करूं सो वी कैन स्प्लिट दिस ट्रिग्नोमेट्री इन टू वर्ड्स, ट्रिग्नोन एंड मीट्रॉन. ये आपके दो ग्रीक वर्ड थे ट्रिग्नोन एंड मीट्रॉन. ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्राइंगल,
एंड न्यूट्रॉन आप गेस कर चुके हैं, इट इज मीन्स मेजर। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, इट इज अ वे मेजरिंग ऑफ ट्राइंगल्स इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली अ वे ऑफ मेजरिंग द ट्राइंगल्स इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्राइंगल में आपके साइड्स होते हैं, एंगल्स होते हैं, तो उनका जो मेजरमेंट होगा उसको हम ट्रिग्नोमेट्री में ब्रीफ अप करेंगे। नाउ उससे पहले एंगल क्या चीज होती है, क्योंकि हम यहाँ पे हम इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे यूनिट में हम एंगल के इर्द गिर्द ही घूमते रहेंगे। तो एंगल क्या चीज होती है आपकी, तो सपोज मैंने यहाँ पे एक रे ली, मैंने अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सपोज देयर इज अ रे, ये कोई रे आपकी ओ ए आपकी रे जा रही है, ये हमारी एक रे है ओ ए करके। अब क्या किया हमने, अगर मैं इसको पॉइंट ओ को फिक्स कर दूं, ये मेरा पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट है, और इस ए पॉइंट को, अगर मैं ए पॉइंट को होल्ड करके इसको रोटेट कर दूं, सपोज मैंने ए पॉइंट को होल्ड करके इसको रोटेट किया और रोटेट करते करते हम यहां पहुंच गए, एक नए पॉइंट बी पे आ गए, तो आप देख रहे हैं कि कुछ ये आपका टर्न हुआ है, ये तो दिस डिफ्लेक्शन और दिस टर्न इज नोन एज एंगल। तो व्हाट इज एंगल, एंगल इज बेसिकली व्हाट, अगर मैं कोई रे ओ ए लू, उसका एक पॉइंट फिक्स कर दू, दूसरे को मैं कुछ पॉइंट रोटेट करूं, सो द रोटेशन गिवन टू द एंड पॉइंट इज नोन एज योर एंगल, दिस इज योर एंगल। सो अगर मैं कहूं, आपसे पूछूं कि व्हाट इज मेजर ऑफ एंगल, तो वी कैन राइट मेजर ऑफ एंगल, जिसको हम थीटा लिखा है, कहीं थीटा हो, कहीं अल्फा हो, कहीं बीटा हो, वो नाम आप पे डिपेंड करता है। सो मेजर ऑफ एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन गिवन टू द इनिशियल पॉइंट, जो यहाँ पे ए है आपका इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट दैट इज बी। नाउ व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सो फॉर दैट वी हैव टू टेक अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, तो अगर हमने यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, सपोज ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है मेरा ये, एंड दिस इज एन एंगल थीटा, इसको हम ए बी और सी मार्क कर लेते हैं। अब यहां पे तीन बेसिक टर्म्स होते हैं हमारे, जो साइड एंगल कंटेन करता है, ये साइड है, ये साइड एंगल कंटेन कर रहा है, तो इस साइड ए बी को हम कहते हैं बेस, इसको लिखेंगे बी, और जो साइड बेस के नॉर्मल होता है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो दिस साइड सी, सी बी इज योर परपेंडिकुलर या पी, एंड द थर्ड साइड इज नोन एज योर हाइपोटेन्यूज, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, इसको लिखते हैं एच से। नाउ लेट अस डिफाइन सम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहला होता है साइन ऑफ एंगल, यह लिखते हैं साइन थीटा, यहाँ पे एंगल थीटा है, ये हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दूसरा है कोसाइन ऑफ एंगल, कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तीसरा है आपका टैन थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दूसरा है आपका कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज वन अपॉन साइन थीटा या हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। नेक्स्ट इज सेक थीटा, सेक थीटा इज वन अपॉन कॉस थीटा, दैट इज हाइपोटेन्यूज बाय बेस। एंड द लास्ट इज
कॉट थीटा, कॉट थीटा इज वन अपॉन टैन थीटा, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये अभी आपके छह बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो हमको ध्यान रखने हैं हमको। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट योर रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसे अभी हमने लिखा साइन थीटा वॉज वॉट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं यहां से साइन थीटा बाय कॉस थीटा कर दूं तो क्या बन जाएगा, पी अपॉन एच इंटू एच अपॉन बी। तो एच और एच कैंसिल हो गया तो ये क्या बन गया आपका, दिस इज बिकम पी अपॉन बी and P upon B is tan theta. Therefore, we can write tan theta is sine theta by cos theta. A very important relation. इसको ध्यान रखिएगा आप। Tan theta is basically sine theta by cos theta. और बाकी ये सब कुछ इनवर्स में होते हैं, जैसे आपका जो कोसेक थीटा होता है वो वन अपॉन साइन थीटा होता है, जो सेक थीटा होता है वो वन अपॉन कॉस थीटा होता है, और जो कॉट थीटा होता है वो वन अपॉन टैन थीटा होता है। तो ये आपके कुछ बेसिक से रेशियो हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब आइए हम सवालों को देखते हैं कि सवाल इसके हम कैसे अप्रोच करते हैं हम लोग। सो लेट अस टॉक अबाउट सम बेसिक क्वेश्चंस। तो हम कुछ बहुत ही बेसिक से सवालों को हम लेके स्टार्ट करते हैं। तो सवाल कहता है कि इफ साइन ए इज 3/5, कहता है फाइंड कॉस ए एंड टैन ए। ना इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, सपोज दिस इज माय राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, और यहां पे कुछ एंगल ए है, ये हमारा एंगल ए है। ये तो साइन ए की अवधि है 3/5, 3 मतलब ये होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। साइन किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। तो कितना दिया है परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूज कितना दिया है 5। सो लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ बेस। तो फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो 9 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो बी स्क्वायर बन जाएगा 25 माइनस 9, तो बी स्क्वायर बन जाएगा 16, तो बी विल बी इक्वल टू 4। तो बेस कितना बन गया आपका, बेस स्क्वायर हो गई 4। देयरफॉर व्हाट इज कॉस ए, कॉस ए इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट बिकम्स 4/5। टैन ए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, व्हाट इज परपेंडिकुलर 3/4, दैट बिकम्स योर टैन ऑफ ए बन गया आपका ये। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देता है कुछ आपका इस तरह, इसने बोला है कि जो कोसेक ए है वो रूट 10 दिया है, कहता है फाइंड द अदर आइडेंटिटीज या फाइंड द अदर रेशियोज। तो इसको सॉल्व करते पहले, तो कोसेक थीटा इज बेसिकली 1/sin θ, तो क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर।
कितना दिया है, रूट टेन बाय वन दिया है। तो अगर मैं यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊ मैं, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में सपोज एंगल थीटा अगर ये है, तो हाइपोटन्यूज आपको दिया है रूट टेन, परपेंडिकुलर आपको दिया है वन, हमको बेस नहीं पता है। फिर वही काम करना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटन्यूज का स्क्वायर। व्हाट इज परपेंडिकुलर? वन का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हाइपोटन्यूज क्या है? रूट टेन का होल स्क्वायर। तो कितना बन गया, वन प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू टेन। तो बी स्क्वायर बन जाएगा टेन माइनस वन, बी स्क्वायर इज नाइन, तो बी बन गया आपका थ्री। तो आपकी बेस की वैल्यू आ गई है रूट, सॉरी बेस की वैल्यू आपकी थ्री आ गई है। सो लेट अस फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहला आपका आता है साइन थीटा। तो साइन थीटा आपको दिया है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज वन बाय रूट टेन। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है थ्री है, हाइपोटेन्यूज रूट टेन है। थर्ड इज टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फोर्थ कोसेक थीटा आपको पता ही है। sec theta, sec theta is 1 by cos theta, तो root 10 by 3. And last is cot theta is 1 by tan theta, that is 3. तो ये आपकी पांचों trigonometric identities आपकी हो गई हैं ये। Next, moving on to other form of question. तो सवाल कहता है कि if cosec A is 2, find the value of 1 upon tan A plus sin A upon 1 plus cos A. तो पहले हम बनाते हैं यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। This is your right angle triangle A, B, C and A. और ये एंगल आपको A दिया हुआ है। तो cosec A का मतलब होता है 1 upon sin A. That is hypotenuse by perpendicular. जो आपको 2 by 1 दिया हुआ है। तो hypotenuse 2 है, perpendicular 1 है। तो हमको बेस निकालना है। सो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। तो वन प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, बी स्क्वायर बन गया थ्री, बेस आपका बन गया रूट थ्री। तो यहां से आपका साइन ए क्या बन जाएगा, साइन ए इज वन बाय कोसेक ए, तो वन बाय टू। कॉस ए क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रूट थ्री बाय टू। And what is tan A? P upon B, perpendicular upon base, that is 1 by root 3. अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, we have to find the value of the given expression 1 upon tan A, we have to find the value of 1 upon tan A plus sin A अपॉन वन प्लस कॉस ए। तो वन अपॉन टेन ए कितना है, वन बाय रूट थ्री, तो वन अपॉन वन बाय रूट थ्री प्लस साइन ए कितना है, वन बाय टू, एंड कॉस ए कितना है, वन प्लस रूट थ्री बाय टू। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे वन अपॉन वन बाय रूट थ्री है, तो ये टर्म ऊपर आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका रूट थ्री प्लस यहाँ पे हाफ है, नीचे आप एलसीएम लेंगे तो कितना बन जाएगा, टू प्लस रूट थ्री बाय टू। तो यहां पे आपका ये जो टू और टू है वो कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस एक्सप्रेशन विल बिकम समवॉट लाइक दिस, रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू प्लस रूट थ्री। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं। तो अभी हमारी 1 अपॉन टैन ए प्लस
साइन ए अपॉन वन प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या आई है, वी हैव गॉट रूट थ्री, सॉरी थ्री प्लस रूट थ्री है, रूट थ्री वन अपॉन टू प्लस रूट थ्री हमारा आया है। तो इसको हम करते हैं रैशनलाइज, तो ये बन जाएगा टू माइनस रूट थ्री अपॉन टू माइनस रूट थ्री, ये बन जाएगा रूट थ्री प्लस, इसको सॉल्व करिए टू माइनस रूट थ्री, नीचे बन जाएगा क्योंकि ये ए प्लस बी और ए माइनस बी बना, देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फर्दर सिंप्लीफाइंग विल बिकम रूट थ्री प्लस टू माइनस रूट थ्री अपॉन फोर माइनस थ्री, सो रूट थ्री प्लस टू माइनस रूट थ्री अपॉन वन, तो ये बन जाएगा रूट थ्री प्लस टू माइनस रूट थ्री, रूट थ्री रूट थ्री कैंसिल, देयरफॉर वन अपॉन टैन ए प्लस साइन ए अपॉन वन प्लस कॉस ए का वैल्यू आ गया टू, दिस इज योर गिवन आंसर। ये हमारा सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आपकी टू आ गई आपकी। नाउ मूविंग ऑन टू अ क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में आया हुआ है, इसको हम देखते हैं। सवाल कहता है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसने बोला है इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट सी, जहां पे टैन ए का वैल्यू वन बाय रूट थ्री है, कहता है फाइंड साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। ये आपका सीबीएसई 2006 का सवाल है। तो पहले तो बोलता है कि यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो सी पे राइट एंगल, मतलब ये पॉइंट सी है और टैन ए है, मतलब ये पॉइंट ए है, ये आपका बी है। टैन ए दिया है वन बाय रूट थ्री, तो टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना है आपका परपेंडिकुलर वन, बेस कितना है रूट थ्री। पहले तो हमको हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, सो वन प्लस थ्री इज इक्वल टू एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बन गया फोर, देयरफॉर एच की वैल्यू बन जाएगी टू, सो हाइपोटेन्यूज मेरा टू आ गया है। So we have to find the value of sin a cos b plus sin b cos a. तो हम लिखते हैं यहाँ पे sin a cos b plus sin b cos a. अब इसको समझिएगा, इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम एंगल, इसको हम यहाँ पे रब करते हैं, सपोज मैंने एंगल ये लिया, मैंने अगर एंगल ए ये लोगे, तब इस एंगल के लिए ये बेस होगा, ये होगा परपेंडिकुलर, तो यहां से साइन ए कितना बन जाएगा, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी वन बाय टू, और कॉस ए कितना बन जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज रूट थ्री बाय टू। लेकिन अगर हम बात करें साइन बी और कॉस बी की, मतलब अब एंगल ये हो गया है, अब जब एंगल ये हो जाएगा तो आपका बेस ये बन जाएगा अब, और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। ध्यान दीजिएगा, जब हमने एंगल ए लिया है तो ये साइड बेस है, ये साइड परपेंडिकुलर है, और जब ये एंगल है तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है आपका। तो फॉर साइन बी, साइन बी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और एंगल बी के लिए ये परपेंडिकुलर है ये, तो ये बन जाएगा रूट थ्री बाय टू, और कॉस बी क्या बन जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बी एंगल के लिए साइड बी सी आपका बेस है, तो ये बन जाएगा वन बाय टू। तो आइए अब इन वैल्यूज को हम पुट करते हैं जो हमारा गिवन यहाँ पे
एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है, हमको इनमें वैल्यूज पुट करनी है। सो साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए की वैल्यू बन जाएगी, साइन ए है आपका हाफ और कॉस बी है रूट थ्री बाय टू प्लस सॉरी कॉस बी आपका हाफ है, कॉस बी इज गिवन टू बी हाफ प्लस साइन बी आपको दिया है रूट थ्री बाय टू और कॉस ए आपको दिया है रूट थ्री बाय टू, तो कितना बन जाएगा वन बाय फोर प्लस थ्री बाय फोर दैट इज इक्वल टू फोर अपॉन फोर या इक्वल टू वन। देयरफॉर साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए इज इक्वल टू वन, दिस इज द आंसर विच यू विल ऑब्टेन। सो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, एंड इन केस यू हैव एनी डाउट इन एट एनी स्टेप यू कैन आस्क बाय रीचिंग आउट टू अवर कमेंट सेक्शन बिलो, आप उसमें लिख के हम आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं और हम उन डाउट्स को आपको क्लियर करेंगे आपके डाउट्स हम लोग। नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन, ये आपके एनसीईआरटी का सवाल है। सवाल ये दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल ए सी बी है, राइट एंगल एट सी, इसमें कहता है साइड ए बी का यूनिट 29 यूनिट्स है, बी सी का 21 यूनिट्स है और एंगल ए बी सी जो है वो थीटा है, मतलब कुछ फिगर ऐसा बनेगा आपका, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा आपका। राइट एंगल एट सी है, ये पॉइंट सी है, एंगल ए बी सी है, मतलब ये जो साइड है बी ये थीटा है और ये आपका ए है, ए बी आपको दिया है 29, सॉरी ए बी ये है आपका, हाइपोटन्यूज आपको दिया है 29, तो हाइपोटन्यूज 29 है, बी सी बेस आपको दिया है 21, हमको परपेंडिकुलर नहीं पता है। सवाल में और कहता है इसमें दो पार्ट दिए हैं आपको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है और दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। सो सबसे पहला काम तो हम यहाँ पे निकालते हैं कि हमारा परपेंडिकुलर कितना होगा हमारा। सो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, तो P हमको नहीं पता है, बेस हमको दिया है 21 का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज दिया है 29 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर होता है 441, 29 का स्क्वायर हमारा होता है, अगर इसको निकालें सो 29 का स्क्वायर आपको दे देगा 841, सो P स्क्वायर बन जाएगा 841 माइनस 441 दैट इज दिस विल बी इक्वल टू 400। तो अगर पी स्क्वायर 400 है तो जो आपका P का वैल्यू आएगा P विल बी इक्वल टू 20 यूनिट्स, द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर इज 20 यूनिट्स। अब इसकी हम वैल्यूज को निकालते हैं, तो यहां से हमारा जो cos थीटा आएगा हमारा, द वैल्यू ऑफ cos थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 21 बाय 29, sin थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो 20 अपॉन 29। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, पहला पार्ट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा व्हिच इज cos थीटा इज हाउ मच 21 बाय 29, 21 by 29 का स्क्वायर प्लस 20 अपॉन 29 का स्क्वायर, तो 21 इज 441 बाय 841, 400 बाय 841, तो ये बन जाएगा 841, इसको अगर हम ऐड करें दिस इज 441 प्लस 400
अपॉन 841, जो बन जाएगा 841 बाय 841, तो वैल्यू 1 बन जाएगी। देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारी 1 आ गई हमारी। सवाल का अगला पार्ट कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 21 बाय 29 का स्क्वायर माइनस 20 अपॉन 29 का स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा 441 बाय 841 माइनस 400 बाय 841, दैट इज 441 माइनस 400 बाय 841, दिस विल बी इक्वल टू 41 बाय 841। देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज 41 बाय 841, ये आपका आंसर हो गया आपको। ये तो ये आपके एनसीईआरटी का सवाल था आपका, जो एक हद तक काफी आसान जैसा था आपका ये। फिर आइए हम लोग कुछ और सवाल देखते हैं जो आपके इसमें दिए होंगे आपके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा दिया है, कहता है 5 tan alpha इज इक्वल टू 4, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin alpha माइनस 3 cos alpha अपॉन 5 sin alpha प्लस 2 cos alpha। तो tan alpha आपको दिया है 4 by 5, दैट इज आपका जो परपेंडिकुलर 4 है आपका, और जो बेस है आपका वो 5 है। सो परपेंडिकुलर इज 4, बेस इज 5। एंड वी नो दैट h का स्क्वायर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर बन जाएगा p का स्क्वायर, p आपका 4 है, 4 का स्क्वायर 16, b क्या 5 है, 5 का स्क्वायर 25, तो h स्क्वायर क्या बन जाएगा 25 प्लस 16 विल गिव यू 41, तो h आपका बन जाएगा रूट 41। तो यहां से आपका साइन अल्फा बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 4 अपॉन रूट 41, एंड कॉस अल्फा बन जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 5 बाय रूट 41। तो एक तो तरीका आपका ये हो गया कि यहां से आप साइन कॉस की वैल्यू को पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो दिस सेगमेंट आई एम लीविंग यू फॉर एज एन एक्सरसाइज, नाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन बाय another method। यहाँ पे आपको क्या दिया expression, we have given 5 sin alpha minus 3 cos alpha upon 5 sin alpha plus 2 cos alpha। Now what we do, हम numerator से और denominator को we will divide every term by cos alpha, तो ये बन जाएगा 5 sin alpha by cos alpha माइनस 3 कॉस अल्फा बाय कॉस अल्फा अपॉन 5 साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा बाय कॉस अल्फा। तो ये तो 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, एंड साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा इज व्हाट टेन अल्फा, ये बन जाएगा 5 टेन अल्फा माइनस 3 अपॉन 5 टेन अल्फा प्लस 2, और 5 tan alpha कितना है 4 है, तो 4 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 2, तो कितना बन जाएगा 1 अपॉन 6। देयरफॉर 5 sin alpha माइनस 3 cos alpha अपॉन 5 sin alpha प्लस 2 cos alpha की वैल्यू हमारी 1 बाय 6 आ गई है। तो जो पहला मेथड था वहां पे हमने sin और cos की वैल्यू निकाली है, उसकी वैल्यू को आप पुट करके देखिएगा, ये आपको आंसर 1 बाय 6 ही देगा आपको। वो तरीका मैं आपके लिए करने को छोड़ चुका हूँ, क्योंकि आप
मैंने इतने क्वेश्चन शुरू में करा दी कि आप उसको कर ले जाओगे। द सेकेंड मेथड इज वे मच मोर इजियर देन द फर्स्ट मेथड। तो आप फर्स्ट मेथड खुद से ट्राई करिएगा, सेकेंड वाला तरीका मैंने आपको यहाँ पे करके बता दिया मैंने आपको यहाँ पे। मूविंग ऑन टू सम मोर क्वेश्चंस। क्वेश्चन यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है एक ये कि एक ट्राइंगल आपका पी क्यू आर, ये आपके एनसीईआरटी का सवाल है और कहता है राइट एंगल डैट क्यू। फिर कहता है पी क्यू प्लस क्यू आर आपको दिया है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पी क्यू आपको 5 सेंटीमीटर दिया है। इसने बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टैन पी। तो फिगर कुछ इसका इस तरह है आपका, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और ये पी है, क्यू है और आर है। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल आपका पी दिया हुआ है। सो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम पी आर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। और अगर आप यहां से देखें, यहां से फ्रॉम दिस सेगमेंट, सॉरी ये आपको पी आर दिया है यहां पे, ये पी आर प्लस क्यू आर दिया है। सो फ्रॉम दिस गिवन एक्सपेरिमेंट वी कैन राइट पी आर एज 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं और ये वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। PQ आपको 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। नाउ लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ QR, ये कितना आएगा। तो इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2ab, तो 2 इंटू 25 इंटू QR, तो 50 QR प्लस b का स्क्वायर, QR का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर विल गिव यू 25 प्लस QR का स्क्वायर, तो यहां से QR स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 625 माइनस 50 QR इज इक्वल टू 25, तो माइनस 50 QR क्या बन जाएगा 25 माइनस 625, सो माइनस 50 QR इज इक्वल टू माइनस 600, माइनस माइनस कैंसिल, QR कितना आ जाएगा 600 बाय 50 या 12 सेंटीमीटर। तो अगर QR 12 सेंटीमीटर आया है, हमको क्या दिया है, हमको PR प्लस QR दिया है 25, तो PR प्लस 12 इज इक्वल टू 25, तो PR कितना बन जाएगा 25 माइनस 12, PR बन गया 13 सेंटीमीटर। तो ये PR की वैल्यू आ गई और ये आपके QR की वैल्यू आ गई। तो हमको PR, QR और PQ दिया हुआ है। सो पहले बात करते हैं साइन P की। साइन P क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर, QR अपॉन PR। QR कितना है 12 बाय 13। cos P क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। PQ upon PR, that is 5 by 13। और फिर है tan P, tan P is perpendicular upon base, that is how much, that is 12 by 5। तो ये आपका sin P, cos P और tan P की हमने values को calculate कर लिया हमने। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और सबसे बड़ी बात आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। सो इन दिस फर्स्ट लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस और टैन। हमने इसमें कुछ सवालों के बारे में डिस्कस किया है। अभी तो हम टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे और उसमें कुछ बेसिक सवाल हम लेके चलेंगे हमारे। एंड आफ्टर द एंड ऑफ द चैप्टर
हम एक आपके लिए वीडियो एक्सक्लूसिवली बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ सवालों को ही डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड में आ चुकी हैं, और कुछ एनसीईआरटी के सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आप ये मत सोचिए कि अभी हम सवाल करके हमने छुट्टी पा ली है। चैप्टर के खत्म होने के बाद आपका एक वीडियो सिर्फ सवालों पे ही बेस्ड होगा। तो आप इन सवालों को समझिए, इनको सीखिए, अपने एंड पे प्रैक्टिस करते रहिए। इन केस यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन सेंड योर डाउट्स टू अवर ईमेल आईडी और अवर व्हाट्सएप नंबर, और यू कैन गिव योर डाउट्स इन अवर कमेंट सेक्शन बिलो। हम उसको क्लियर करेंगे, उसको हम सॉल्व करके आपको भेजेंगे, उसको हम एड्रेस करेंगे। सो इन द एंड मैं वही कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, इसको अपने बाकी दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में फायदा मिल सके। और अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।